हेलो फ्रेंड्स, वेलकम फ्रॉम ड्रीम फैंटेसी। एंड आज हम डिस्क्राइब करेंगे इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान, जो कि आईसीसी वर्ल्ड कप का फाइनल मैच होगा। ठीक है, इसके बारे में फुल कुछ सब कुछ डिस्क्राइब करेंगे कि कौन सी हम लोग ग्रैंड पिक्स हो सकती हैं एंड किन बड़े प्लेयर्स को हम लोग ड्रॉप करेंगे। ठीक है ना, तो उससे पहले बेसिक एक टर्म है, अगर आपके पास कैश बोनस ऑफर नहीं आ रहा तो आप इसका यूज़ करें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें ड्रीम इलेवन को कि आई वॉन्ट टू कैश बोनस ऑफर। ठीक है, क्योंकि जब अपन अपना फीडबैक देंगे तभी ड्रीम इलेवन की तरफ से कुछ रिटर्न में मिलेगा। ठीक है ना, तो बिल्कुल इस कॉलम को जरूर भरें अगर आपके आईडी में ओपन कर रहा है। ठीक है, तो ज़रूर फिल करें। ठीक है, तो मैच है इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान। उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन कि एक एक मैच दोनों ने मेलबर्न में खेला है। ठीक है ना, दोनों का एक एक मैच हुआ था, इंग्लैंड ने खेला था आयरलैंड के साथ, पाकिस्तान ने खेला था इंडिया के साथ, और इधर से इंग्लैंड भी लूज़ करी थी, इधर से पाकिस्तान भी लूज़ करी थी, मतलब दोनों का एक्सपीरियंस मेलबर्न में ख़राब है। ठीक है, सेकेंड बात, इंग्लैंड ने मेलबर्न स्टेडियम में 3 ओवर करवाए थे लिविंगस्टोन से। ठीक है, और 3 विकेट भी लेके गए थे लिविंगस्टोन, तो इसका मतलब ये है कि इंग्लैंड बैटलर के दिमाग में एक ये चलेगा थॉट कि यानी लिविंगस्टोन को ओवर दिया जा सकता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ थोड़ा माइंड में लेके चलना, मतलब आप समझना लिविंगस्टोन इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है ना, क्योंकि अगर ओवर मिलता है उनका, क्योंकि हम लोग ग्रैंड के हिसाब से देखते तो लिविंगस्टोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, एंड थर्ड वन, इस मैच में हम लोग थोड़ा सा एक अलग सिनेरियो लेके चलेंगे, क्योंकि स्पिन लंबा ग्राउंड है एंड स्पिन भी हुआ था, क्योंकि उधर से मोहम्मद नवाज़ को भी ओवर मिला था, बट यहाँ से मोहम्मद नवाज़ इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मोहम्मद नवाज़ को ओवर नहीं मिला। ठीक है, मार्क वुड फिट हो गए हैं एंड मार्क वुड ज्वाइन करेंगे। हाँ, डेविड मिलान ज़रूर आउट होगा, डेविड मिलान के चांसेस बहुत लो हैं कि वो बैक करें। ठीक है ना, तो ये सब अपडेट्स थी करेंट मैच में, और लास्ट मैच की हम लोग प्रिडिक्शन देख लेते किस लेवल की गई है। ठीक है, बहुत शानदार प्रेडिक्शन गई है, बहुत अच्छे रिव्यू आए। ठीक है ना, बताते हैं, जैसे एक तरफा जो ऊपर से था, सबसे पहले तो यहाँ से हम लोग का मस्ट पिक था, खैर आ गए सूर्य कुमार यादव, बोला था कैप्टन वाइस कैप्टन बिल्कुल नहीं जाना, ना रोहित शर्मा ना सूर्य कुमार यादव। ठीक है, हाँ हार्दिक पांड्या जरूर मैंने बोला था, 4 में कैप्टन लेके चलेंगे हार्दिक पांड्या को, और वो खैर फायदे का सौदा था, कोई नुकसान नहीं हुआ। हाँ, यहाँ सैम करन एंड बेन स्टोक, तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पी सॉल्ट की तरफ नहीं देखा था क्योंकि पी सॉल्ट बहुत नीचे हो रहे थे। ठीक, बट हम लोग बेन स्टोक बिल्कुल फिक्स थे, तो बेन स्टोक भी खैर दे गए थे ठीक ठाक। ठीक है, एंड क्रिस जॉर्डन ये ट्रंप कार्ड थे, क्योंकि मैंने बोला मार्क बुट की जगह जो भी बॉलिंग कराने आएगा वो हम लोग का मस्ट पिक होंगे। ठीक है, तो जॉर्डन थे, रखे थे आदिल रशीद। ठीक है, हाँ क्रिस बुक्स भी इंपॉर्टेंट थे, बट यहाँ से थोड़ा शमी और एक में अक्षदीप, ये दोनों अखरे हैं, बाकी लगभग अच्छा गया था। हेल्थ बहुत, खैर मैंने 4 में बटलर का बोला था, तो 4 में बटलर, जिसने बटलर के साथ या विराट कोहली गए होंगे, विराट कोहली भी हमारे फिक्स थे कैप्टन, तो वो भी फायदे का था। ओपनिंग प्लेयर्स में बोला था ड्रॉप करके चलना, तो केएल राहुल को हम लोगों ने ड्रॉप करा था। ठीक है, तो लगभग सिनेरियो बहुत अच्छा गया था, एंड हेड टू हेड तो अंदर आई है, ग्रैंड जरूर थोड़ी सी मिस हुई है क्योंकि एक तरफा विन हो गया, क्योंकि हम लोग इंडिया की तरफ से बॉलिंग भी रखें तो वो थोड़ी दिक्कत देगी। ठीक है ना, तो अब देखते हैं डायरेक्ट हम लोग पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। ठीक है, देखिए बिल्कुल बेसिक टर्म में देखेंगे, कोई वैसा नहीं, जीएल के पर्सपेक्टिव बड़े प्लेस को ड्रॉप करेंगे। ठीक है, इंग्लैंड पाकिस्तान फाइनल हैगा मेलबर्न में। ठीक है, मेलबर्न में दोनों मैचेस जो हुए वो इंडिया का भी 160 के समथिंग गया था, और इंग्लैंड वाला था वो भी अच्छा मैच गया था। ठीक है ना, तो रन बनेंगे, ऐसा नहीं कि रन नहीं बनेंगे। ठीक है, वेदर की दिक्कत है थोड़ी सी, अगर सेकंड बैटिंग जिसकी आए, क्योंकि अगर पानी गिरता ना तो सेकंड बैटिंग वाले को बेनिफिट मिलेगा, तो अगर पानी के चांसेस लगे तो टॉप ऑर्डर पे ज़्यादा कैप्टन वाइस कैप्टन का यकीन रखना। ठीक है ना, क्योंकि अगर पानी गिरता है तो टॉप ऑर्डर ही बल्लेबाज कर जाएगा एंड नीचे वालों की बैटिंग नहीं आएगी। ठीक है, रही बात स्टेडियम की, लेंथी स्टेडियम है, दोनों तरफ से लेंथी है, मतलब ठीक है, ओवरऑल बैलेंस्ड पिच है, ना बैटिंग सपोर्टिव पिच है ना बॉलिंग सपोर्टिव पिच है। ठीक है, बॉलिंग में देखा जाए तो पेसर्स का डोमिनेशन थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है ना, शान मसूद एक ही इनिंग के लिए 52 रन बना है, इफ्तिकार अहमद एक ही इनिंग में 51 रन बना है, डेविड मिलान ये प्ले नहीं करेंगे। ठीक है, मुइन अली एक में 24, हेनरी ब्रुक बहुत अच्छे हैं, हेनरी ब्रुक ठीक है, और पाकिस्तान सीरीज के खिलाफ अच्छे खेले थे। ठीक है, शहरीन आफरीदी अच्छे फॉर्म में दिखे। ठीक है, मार्क वुड प्ले करेंगे 3, लिविंगस्टोन एक मैच में 3। ठीक है, मोहम्मद नवाज एंड हारिस रऊफ 2-2 विकेट मिले एक ही मैच में। ठीक है, मोहम्मद हारिस रऊफ इस ग्राउंड में, क्योंकि वो खेलते हैं मेलबर्न स्टार से, ठीक है, जैसे आईपीएल की टीम होती है ना लखनऊ, ठीक है, ऐसे ये खेलते हैं मेलबर्न स्टार से, तो इनके लिए होम ग्राउंड है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़े से लेके चलना, हारिस रऊफ के लिए ये ग्राउंड होम ग्राउंड है। ठीक है, तो उसका वो बेनिफिट ले सकते। फर्स्ट इनिंग स्कोर है 159, मतलब रन बनेंगे। ठीक है,
एंड रन दोनों तरफ से बनना है, ठीक है। मैच एकदम नहीं होगा, अगर आपको लगता है इंग्लैंड जीत रही तो सिक्स को फेवर करेंगे, 6-5 की टीम बना के चलेंगे हम लोग, 7 यानी 7-4 की टीम नहीं बनाएंगे, ठीक है। डोमिनेशन देख लेते हैं, लास्ट 5 में से 4 मैच इंग्लैंड जीत के रही, लास्ट 5 में से 4 जीत के रही इंग्लैंड पाकिस्तान, ठीक है। दोनों अपने ग्रुप की सेकेंड टीमें हैं, और जब दोनों टीमें ऐसे लटके लटके आती, क्योंकि इंग्लैंड भी ऑस्ट्रेलिया नहीं आई तो इंग्लैंड आई है, और यहाँ साउथ अफ्रीका बाहर फेंक गई तो पाकिस्तान अंदर आई है, ऐसी जब टीमें आती है तो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाती हैं, ठीक है। ऑल टाइम हमेशा से ये रही है, ठीक है। थोड़ा सा चांस मुझे ऐसा लगता है, जो खैर 1992 पर नहीं दिख रहा है तो बहुत इतना मीडिया पर चल रहा है, खैर मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा डोमिनेशन पाकिस्तान का ज़्यादा है, थोड़ा सा मीन्स के 51 और 49% वाला इतना सा बस, क्योंकि पाकिस्तान के पास बॉलिंग थोड़ी हैवी है, अगर हेल्स और बटलर आउट होते हैं तो इंग्लैंड थोड़े बैकफुट पर आ जाएगी, और यहाँ से भी अगर बाबर रिजवान आउट होते हैं थोड़े बैकफुट पर आ जाएगी, ठीक है। हम लोग बटलर को और हेल्स को दोनों को एक टीम में नहीं रखेंगे, बाबर और रिजवान को भी एक टीम में नहीं रखेंगे, ठीक है। कैप्टन वाइस कैप्टन तो बिल्कुल नहीं रखना, ठीक है, पिक कर सकते हैं आप, ठीक है, बट कैप्टन एंड वाइस कैप्टन चारों में से किसी को भी नहीं बना के चलना हम लोगों को, ठीक है ना, ये चीज़ माइंड में लेके चलना। मैच थोड़ा सा ऐसा नहीं कि आप हेल्स कप्तान तो बटलर वाइस कप्तान, या बटलर कप्तान तो हेल्स वाइस कप्तान, बाबर कप्तान तो रिजवान वाइस कैप्टन, रिजवान कैप्टन या फिर बाबर वाइस कैप्टन, ये सीनरी हो नहीं। अगर आप बटलर कप्तान बना रहे हो तो इस तरफ से कोई बॉलर को बनाइए, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग विकेट कीपर सेशन से, बाबर और रिजवान, ठीक है, हारिस और पीसॉल्ट। हारिस ने भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करा है, ठीक है, एंड अच्छी पारियाँ खेली है, एंड इन्होंने अभी प्रैक्टिस सेशन में बॉलिंग भी फेंकी है, ठीक है, तो ये चीज़ माइंड में थोड़ा सा लेके चलना। बट मुझे ऐसा लगता है कि बटलर या हेल्स में से एक कोई शहरीन आफरीदी का शिकार बनेगा, और वहाँ से भी एक कोई शिकार बनेगा, ठीक है। लास्ट 5 मैचेस में से देखिए 4 मैं ड्रीम टीम में कंसीडर हूँ, एक बार जब बड़ा मैच होता है इनका तो उसके बाद एक थोड़ा छोटा सा मैच आता। अब यहाँ एक इनिंग 125 की हुई, तो यहाँ अब जो पिक करने वाला पर्सन बन गए हैं, ना कि एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। ओपोनेंट के अगेंस्ट अभी तक इनका मैच इतना हुआ नहीं, क्योंकि सीरीज में भी ये नहीं खेले थे, ठीक है ना, तो अभी ओपोनेंट के अगेंस्ट। बट हाँ, इस टूर में बहुत अच्छे हैं, इस स्टेडियम में नॉर्मल खेलते हैं, ठीक है, तो मतलब हमारे बटलर पिक हो सकते हैं कि जिसको हम लोग ड्रॉप करके चलेंगे, एक टीम से ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। मोहम्मद रिजवान बिल्कुल एवरेज परफॉर्मेंस है, लास्ट में 76 जरूर बनाए, ठीक है, 80% सिलेक्शन भी है, बट हम लोग इनको, बट इनका ओपोनेंट के अगेंस्ट देखिए, सब इनका नॉर्मल है, बट इनको ओपोनेंट के अगेंस्ट देखिए, हर मैच में लगभग 72 पॉइंट दिए इन्होंने हर मैच में, मतलब रिजवान हमारी मस्ट पिक होंगे ग्रैंड लीग के लिए, ठीक है ना, तो रिजवान हमारी फर्स्ट मस्ट पिक होंगे। अब मोहम्मद हारिस की बात कर लेते हैं, इस बंदे ने बहुत इफेक्टिव वर्क करा है पाकिस्तान के लिए, लास्ट 3 मैच खेले, जरूर छोटी छोटी पारियाँ खेली, और तीनों में ड्रीम टीम में कंसीडर हुआ है, ठीक है, जरूर उसने छोटी छोटी पारी खेली हैं, बट इसने इफेक्टिव पारियाँ खेली हैं, ठीक है ना, तो इस बंदे को हम लोग इस मैच में ड्रॉप करेंगे, क्योंकि रेगुलर 3 मैचेस हो गए, ठीक है, और इसने ओपोनेंट के अगेंस्ट इंग्लैंड के अगेंस्ट एक ही मैच खेला, उसमें 13 पॉइंट दिए थे, ठीक है ना, तो इसलिए हम लोग इसको फेवर करके नहीं चलेंगे, ठीक है। पीसॉल्ट पाकिस्तान के खिलाफ अभी जस्ट खेल के आ रहे हैं, रिदम में हैंगे, अगर ऊपर से कोई आउट हुआ तो ये अपनी जगह बनाने के पीछे जाएंगे, हाँ, लेकिन इस टूर में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, तो आप चाहें तो आप ड्रॉप कर सकते हैं, बट हम लोग के एक मस्ट पिक होंगे, क्योंकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 2 प्लेयर ही लेके चलेंगे कीपरिंग में, चारों को लेके बिल्कुल नहीं जाएंगे, ठीक है ना, आप इस बात को समझिए, एंड कैप्टन वाइस कैप्टन ऊपर से बिल्कुल मत लेके चलना, ठीक है। अब आता है एलेक्स हेल्स, अगर आप बटलर रखना हो तो हेल्स को मत रखना, और हेल्स को रखना तो बटलर को मत रखना, ऐसा एक सिनेरियो बना के चलना, ठीक है। देखिए 122 पॉइंट दिए, 76 75, लास्ट 3 मैचों से रेगुलर चलना है, 88% सिलेक्शन आएगा, ठीक है, बट अपन देखेंगे ओपोनेंट के अगेंस्ट परफॉर्मेंस बिल्कुल न्यूट्रल है, कोई इतना खास नहीं, हाँ, लेकिन इस स्टेडियम में परफॉर्मेंस बहुत डाउन है, ठीक है, बहुत 20 पॉइंट दिए इस स्टेडियम में, ठीक है, बट इस टूर में और बहुत शानदार परफॉर्मेंस रहा एलेक्स हेल्स का, ठीक है, बट हम लोग इनको ड्रॉप करके चलेंगे, एलेक्स हेल्स को अगर आप पिक कर रहे हैं तो बटलर को ड्रॉप करके चलना, दोनों को एक टीम में बिल्कुल नहीं रखना, ठीक है। बाबर आजम और रिजवान दोनों को भी इधर भी एक टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन बिल्कुल नहीं लेके चलना, ठीक है, थीके? लास्ट केवल 2 मैच ड्रीम टीम में कंसीडर हूँ, 81% जरूर सिलेक्शन है, बट इनका ओपोनेंट के अगेंस्ट रिकॉर्ड बहुत शानदार है, हर मैच में 57 पॉइंट देते हैं समथिंग, ठीक है, जरूर यानी इस स्टेडियम में परफॉर्मेंस डाउन है, ठीक है, वो भी इंडिया के मैच हुआ था तो एक ही मैच हुआ है, बट इनका ओपोनेंट के अगेंस्ट रिकॉर्ड बहुत शानदार है, ठीक है, क्योंकि इनको तेज बॉलिंग पसंद होती है,
और वही न्यूजीलैंड के साथ हुआ। न्यूजीलैंड ने भी जो बोल्ट और साउथ दिए थे तेज कराए, तो इनको फुल आराम से मूवमेंट मिला बाबर आजम को, इफ्तिकार अहमद और शान मसूद। इन दो में से भी एक ही पर्सन, अगर टॉप ऑर्डर से एक बंदा छोड़ रहा हो तो यहाँ से इन दो में से एक पर्सन रखना जरूरी हो जाएगा कंपलसरी, ठीक है। 54% सिलेक्शन है एंड बॉलिंग के चांसेस बन सकते हैं उनके, ठीक है। स्टेडियम में उनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है क्योंकि इंडिया के खिलाफ इन्होंने खेली थी इफ्तिकार अहमद, बट इनसे बॉलिंग भी करवाई जा सकती है, ठीक है। शान मसूद और इफ्तिकार अहमद से एक पर्सन लेना जिसको भी आप लो, ठीक है। चांसेस मेरे हिसाब से इफ्तिकार थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव साबित होंगे एज कम्पेयर टू शान के, ठीक है। इफ्तिकार शान मसूद का भी रहता है, एक मैच में ड्रीम टीम में कंसीडर होते हैं तो अगले में नहीं होते, पर ये चीज़ इनका सिनेरियो फीडबैक कर रहे हैं। 55 के बाद 16, फिर 6, ठीक है, अब 52 के बाद 7। तो इस हिसाब से शान मसूद को इस मैच में रखना अपना कंपलसरी हो जाएगा और इस परस्पेक्टिव से अपन रख भी लेंगे, ठीक है ना। और मुइन अली, हेनरी ब्रोक, डेविड मिलान नहीं प्ले करेंगे, ठीक है। अब आते हैं मुइन अली। मुइन अली इस मैच में बहुत अच्छा कर सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान के अगेंस्ट इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहता है, ठीक है, एंड क्योंकि अपोनेंट के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेले, बट इनके लास्ट ऑस्ट्रेलिया में भी मैच ख़राब चले हैं, टूर में भी ख़राब चले हैं और लास्ट 5 मैच भी ख़राब है। अब जे 3 इनका रिकॉर्ड ख़राब, बट अपोनेंट के अगेंस्ट थोड़ा सा रिकॉर्ड बेहतर है, ठीक है, बट इनको बॉलिंग नहीं मिल रही है तो ये ज़्यादा इफेक्टिव साबित नहीं हो पा रहा है एंड बैटिंग भी बहुत डाउन है। पी सॉल्ट इनसे पहले आएंगे, ठीक है, तो अगर आप चाहें तो पी सॉल्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देना एज कम्पेयर टू मुइन अली के, ठीक है। तो मुइन अली हमारी एक ऐसी पिक होंगे जिसको हम ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है ऑलराउंडर सेशन, ऑलराउंडर में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। शादाब खान, सैम करन, बेन स्टोक, लिविंगस्टोन और मोहम्मद नवाज, 5 में से कोई 4 हैं, ठीक है। तो लिविंगस्टोन ये हमारे मस्ट पिक होंगे, इसलिए क्योंकि लास्ट मैच में इन्होंने ओवर कराया था अपना जब मेलबर्न में हुआ था, क्योंकि स्पिन भी डोमिनेशन है और आदिल रशीद के अलावा फिर सेकंड ऑप्शन जे रहेंगे जिससे 4 ओवर फेंकवा जा सकता है, ठीक है, और कोई स्पिनर है नहीं है। तो ऑब्वियसली इनसे इस स्टेडियम में इनका रिकॉर्ड भी 96 का, देखिए एक ही मैच खेला और 96 पॉइंट दिए, इसके पर्सपेक्टिव हम लोग इनको 20% सिलेक्शन है तो ये कुछ अच्छा कर सकते, ठीक है। बेन स्टोक ने हम लोग क्रिस जॉर्डन को इस मैच में ड्रॉप करके चलेंगे, ठीक है, क्योंकि जॉर्डन कराते हैं स्लो बॉल, हाँ ग्राउंड जरूर लंबा है, इस चक्कर में जरूर अच्छा डोमिनेशन मिल सकता। बेन स्टोक लास्ट 5 मैचेस में से 4 में ड्रीम टीम में कंसीडर हुए हैं, ठीक है, और लास्ट 5 मैच बहुत ही अच्छे गए बेन स्टोक के एंड पहला ओवर भी इन्होंने कराया था, ठीक है ना। तो एंड सैम करन इस मैच में हम लोग पिक करेंगे। कैप्टन वाइस कैप्टन के साथ बिल्कुल ना सोचना इतना, ये कैप्टन वाइस कैप्टन लास्ट 5 में से 4 मैच में ड्रीम टीम में कंसीडर हुए हैं, ठीक है, और बहुत ही शानदार टूर्नामेंट गया तो इसमें बैक करने की जरूर सोचेंगे सैम करन, ठीक है। एंड शादाब खान ये ट्रंप कार्ड है, 4 ओवर एंड बैटिंग भी, ठीक है। लिविंगस्टोन भी 3 ओवर तो समथिंग मिलना ही चाहिए, दो ओवर तो उनके फिक्स हैं, ठीक है, अगर पाकिस्तान ने चांस बनाया तो उनको यानी मिल जाएगा अच्छा, ठीक है। शादाब खान ये हमारी मस्ट पिक होंगे एंड ये कैप्टन में ड्रीम टीम में हमारे कैप्टन के चांस बन जाएंगे, बट इनका इस स्टेडियम में रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, बाकी अभी तक इनका सीरीज बहुत अच्छी ली, ओपोनेंट के अगेंस्ट भी लगभग एक मैच में 42 पॉइंट दिए ही हैं, ठीक है, एंड एक मैच में 14 ही दिए थे ओपोनेंट के, सॉरी इस स्टेडियम में, ठीक है। 82% का सिलेक्शन परसेंटेज है, इसको हम लोग पिक करके जरूर चलेंगे, ठीक है, शादाब खान को। मोहम्मद नवाज़ क्योंकि अगर इफ्तिकार अहमद ने बॉलिंग नहीं कराई तो 4 ओवर, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ बॉलिंग ज़्यादा है, ठीक है, तो इनके चांसेस थोड़े डाउन हो जाते हैं बॉलिंग के और ये बहुत ज़्यादा प्रेशर में भी, तो हम मोहम्मद नवाज़ को पिक नहीं करेंगे। अगर आप चाहें तो कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं, हाँ पिक जरूर कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा हिसाब किताब रख सकते, कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं केवल पिक करना, ठीक है। अब सेकेंड ऑप्शन में देखा है बेन स्टोक के चांसेस बहुत हैं और मुझे ऐसा लगता है लिविंगस्टोन का अभी एक भी मैच नहीं हुआ, तो एक मैच में लिविंगस्टोन कैप्टन के साथ आप ट्राई जरूर कर सकते, ठीक है, अगर आप 20 टीम लगा रहे हो तो लिविंगस्टोन एंड बेन स्टोक के साथ जरूर जाएं, ठीक है ना। अगर आप हेल्स और बटलर को कैप्टन के साथ नहीं जाए तो लिविंगस्टोन एंड बेन स्टोक, शादाब खान, ठीक है, ये जरूर कैप्टनसी के साथ जाएं। अब आता है बॉलिंग सेशन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बॉलिंग ज़्यादा नहीं रखना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग ऑलराउंडर सेशन में बढ़ा के चलेंगे, ठीक है, क्योंकि बैटिंग भी बॉलिंग यहाँ से शादाब बढ़ेंगे, वहाँ से बेन स्टोक और लिविंगस्टोन बढ़ेंगे, ठीक है, तो हम बॉलिंग 3 भी जाएंगे तो चलेगा। फर्स्ट इज क्रिस जॉर्डन हम लोग ड्रॉप करेंगे अपनी ड्रॉप आउट मेथड से, क्योंकि लास्ट मैच में अच्छा परफॉर्म करते आए और इनका भी लगभग यही चलता है, एक मैच में परफॉर्म करते एक में नहीं चलते, ठीक है, इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज में चले थे, उसके बाद एक में ब्रेक मिल गया था, अब इंडिया के खिलाफ चले गए तो इस मैच में हम लोग ड्रॉप करके चलेंगे। हाँ बॉलिंग जरूर स्लो फेंकते हैं, ठीक है, तो पिट भी सकते हैं, पिटने के साथ साथ एक चीज़ है स्लो के चक्कर में मारने के चक्कर में लोग विकेट भी ले सकते हैं, ठीक है, बट सैम करन के ज़्यादा चांसेज है और मार्क वुड अगर अंदर आए तो इनको बाहर भी जाना पड़ेगा, 50% सिलेक्शन है, ठीक है, एंड
शहरीन आफरीदी, ये इन्हें अपनी रिदम वापस लेके आए, और इस मैच में अगर पाकिस्तान जीतता है तो इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहेगा। तो अगर आप पाकिस्तान को 6-5 की टीम बना रहे हैं जिसमें 6 पाकिस्तान के हैं और 5 इंग्लैंड के, तो आप उसमें एक शहरीन आफरीदी ज़रूर रखें, ठीक है, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा डोमिनेशन रहेगा। लास्ट 5 मैच में से 4 में ड्रीम टीम में कंसीडर भी हुए हैं, ठीक है, एंड लास्ट 5 मैच अच्छा है, बस एक ही मैच हुआ है इधर तो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहे, ठीक है, वो भी इंडिया के खिलाफ हुआ था। हारिस रऊफ के बारे में आप जानते हैं कि वो इनका ये होम ग्राउंड है मेलबर्न का स्टार का, तो यहाँ लगभग अच्छे डालते हैं ये, ठीक है, तो इनके भी चांसेस है अच्छे बॉलिंग के, लास्ट मैच में परफॉर्म अच्छा नहीं कराते, ठीक है। और मोहम्मद वसीम जूनियर, ठीक है, ये बंदा कुछ ट्रंप कार्ड बन सकता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बल्लेबाज अभी तक ये यानी 2 मैचेस के बैक हुए हैं, ठीक है, तो ये अपने आप को बैक करने की कोशिश करेगा, बट ओपोनेंट के अगेंस्ट इनका रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा ख़राब है इंग्लैंड के अगेंस्ट, तो इसको हम लोग बिल्कुल इसको चाहें तो अपन बिल्कुल ड्रॉप भी कर सकते हैं, कहाँ मोहम्मद वसीम जूनियर, ठीक है। क्रिस बुक्स सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मार्क वुड नहीं खेले तो ये हमारे इंपॉर्टेंट्स में से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है, तो इनको हम लोग जरूर पिक करके चलेंगे, क्रिस बुक्स, क्योंकि ये भी अपने दम पे मैच बदलने की क्षमता रखते, बट पिक करके चलना, कैप्टन वाइस कैप्टन बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो इस बेसिस पर हम लोग टीम बनाएंगे। अब जो हमारी टीम बनेगी वो हेड टू हेड की टीम बनेगी, ठीक है, हाँ, तो और फीडबैक जरूर दे देना, क्योंकि ड्रीम इलेवन को पता चलना चाहिए कि नाराज़ हैं, कैश बोनस ऑफर दीपावली फेस्टिवल में भी नहीं आया एंड पूरा वर्ल्ड कप निकल गया, तो फाइनल में वर्ल्ड कप में कैश बोनस आ सकता है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना, नोटिफिकेशन ऑन नहीं करा तो नोटिफिकेशन ऑन कर लेना कि जो भी वीडियो आए तो आप तक पहुँच जाए बिल्कुल, क्योंकि टाइम पर बोनस की रिपोर्ट पहुँचना जरूरी है। एडवांस इन्फॉर्मेशन आपके लिए लॉन्च कर दी जाएगी, बिल्कुल तुरंत डलेगी जैसे ही कोई भी अपडेट आती है बोनस से रिलेटेड, ठीक है। तो सबसे पहले हेड टू हेड की टीम है ये, तो वहाँ से थोड़ा अदर रहेगा, बटलर और रिजवान, ठीक है, शादाब, हम लोग ये टीम लेके चलेंगे, हेल्स, बाबर आजम एंड इफ्तिकार अहमद, एंड 3 बॉलर। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का डोमिनेशन रहेगा, अगर आपको लगता है कि इंग्लैंड का रहे तो आप इंग्लैंड के साथ भी जा सकते हैं, एंड अगर आप चाहते इंग्लैंड के चाहते एक आधे तो फिर यहाँ से आधे रसीद बढ़ा लेना, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान डोमिनेट करेगी, ठीक है, तो मैं इस टीम के साथ जाऊँगा, एंड इसमें हमारा कैप्टन होंगे शादाब खान, एंड मैं वाइस कैप्टन लेके जाऊंगा लिविंगस्टोन को, ठीक है, क्योंकि मैं रिस्क लेना नहीं चाहता, क्योंकि बैट्समैन के लिए एक बॉल ही काफ़ी है, और यहाँ से बाबर भी चल गए, रिजवान भी चल गए, तो मुझे ऐसा लगता है कि लिविंगस्टोन की बैटिंग भी आएगी एंड उनकी बॉलिंग भी रहेगी, ठीक है, तो इसी टीम के साथ जाएंगे, एंड कुछ अपडेट होता है लास्ट में, अगर ये बॉलर्स ज़्यादा होते हैं जॉर्डन वगैरह खेले तो लिविंगस्टोन को ओवर हो सकता कम मिले, ठीक है, स्पिनिंग के पर्सपेक्टिव, बट मुझे ऐसा लगता है कि लिविंगस्टन कुछ ज़्यादा इफेक्टिव कर सकते हैं इस मैच में, ठीक है, तो इसी टीम के साथ उतरेंगे। तो बिल्कुल अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल कर लीजिए, बिल्कुल क्या पता बेल आइकॉन भी दबा लीजिए अगर आपको बिल्कुल एक एक वीडियो चाहिए, क्योंकि बोनस से रिलेटेड जो वीडियो आएगी उसमें आपका नोटिफिकेशन आना आपके लिए बहुत ज़रूरी, नहीं तो आपका बोनस ड्रॉप हो सकता है, ठीक है, तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।